गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। छतगण, आज हम लोग जेपीएससी मेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से कारण थे उनके बारे में अध्ययन करने जा रहा हूं। और आपको यह मैं बतलाने जा रहा हूं कि आखिर 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, किस प्रकार से भारत में भारतीय आम जनमानस में भारतीय जनता के बीच में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रप्रेम की भावना, राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, जो कि आगे चलकर 1947 में आजादी के रूप में हमारे सामने नजर आता है। छतगण, ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छतगण, भारत में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण निम्न थे। ध्यान देंगे छतगण, क्या कारण थे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार से भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की भावना प्रस्फुटित हुई, इसी का आंसर आपको देना है। इसी तरीके से आपको ड्राफ्टिंग कर देना है। छात्रगण, मैंने पहले ही कहा कि मेंस के पेपर में आप जितने अलग तरीके का प्रस्तुतिकरण करेंगे, औरों से अलग हट करके आपका प्रस्तुतिकरण होगा, तभी आपको अंक ज्यादा अच्छे आएंगे, तभी आपको नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे, तभी आप दूसरों से आगे निकलेंगे। लिखेंगे सभी, लेकिन जिनकी लेखनी में दमखम होगा, जिनका प्रस्तुतिकरण करने का अंदाजे बयां शानदार होगा, वही आगे निकलेगा। तो छतगण ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हम लोग जानने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है छतगण, राजनीतिक एकता। छतगण, भारत में 19वीं शताब्दी में सभी वर्गों के बीच एक राजनीतिक एकता का सूत्रपात हुआ था। छतगण, बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु था, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे वो वंदे मातरम के लेखक हमारे महान व्यक्तित्व बंकिमचंद चटर्जी हो, चाहे जन गण मन के लेखक, गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो, चाहे नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत का जन्मदाता बंगाल राज्य हो, पूरे भारत को राजनीतिक एकता में सूत्रबद्ध करने का काम बंगाल राज्य द्वारा किया जाता था। छात्रगण, और यही देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रगण, सभी लोगों ने मिलकर के, चाहे वह पढ़े लिखे वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, समाज का निम्न तबका हो, कृषक हो, मजदूर हो, सबों ने मिलकर के इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। छतगण, अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया था। ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं। छतगण, पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा का प्रभाव। छतगण, लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारत में अनेक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। छतगण, अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आने से, अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आने से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना सीख गए, हमारी सोच में विकास हुआ। साथ ही साथ यूरोपियन लेखकों की पुस्तकों को जब हम लोगों ने पढ़ा, विशेष तौर पर फ्रांस की क्रांति के समय लिखी गई पुस्तकें, जो कि रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे महान साहित्यकारों की पुस्तकें थी, इन पुस्तकों का जब हम लोगों ने अध्ययन किया अंग्रेजी ज्ञान के द्वारा, तो छतगण हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई और वही राष्ट्रवाद हमें कुछ भी कर गुजरने के लिए प्रेरित करने लग गया। तो छतगण, पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा का प्रभाव भी बहुत ही ज्यादा था, इसे भी आपको याद रखना होगा, इसे भी आपको मनन करना होगा, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी आपको गौर करना होगा।
थर्ड छतगन, 19वीं सदी का धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। छतगन, जैसा कि आप जानते हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं विद्यमान थी। सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, नारी अशिक्षा और साथ ही साथ छतगन उस समय समाज में महिलाओं के प्रति जो है बहुत ही अमानुषिक व्यवहार का एक माहौल तैयार किया गया था। छतगन, मुस्लिम धर्म में भी अशिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी, पारसी धर्म में भी महिलाओं की अशिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी और बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज में विद्यमान थी। ऐसे समय में हमारे समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने समाज को जागृत किया, युवाओं के अंदर जोश भरा। साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को सुधारने की अद्भुत कोशिश की और इस प्रकार से हर समाज के वर्ग, हर धर्म के वर्ग ने 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छतगन, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन, इस भूमिका से क्या हुआ? जब हम लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जब हम लोगों ने इन अंधविश्वासों को, इन कुप्रथाओं को अपने जीवन से दूर कर लिया, तो हमारी सोच विकसित हुई, हमारी सोच में बदलाव हुआ। और याद रखिएगा छतगन, जब सोच बदलती है तो इंसान का चरित्र भी बदल जाता है, इंसान की विचारधारा भी बदल जाती है। हमारी विचारधारा में पॉजिटिव सोच आई, हमारी विचारधारा में राष्ट्र प्रेम की भावना आई, हमारी विचारधारा में वैज्ञानिक सोच आई और हमने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है यह देखना हमने शुरू कर दिया। यही छतगन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति थी, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए इसको भी आपको पैन निगाह रखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है छतगन, आर्थिक शोषण। छतगन, अंग्रेजों ने भू राजस्व प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली, महलवाड़ी प्रणाली, जमींदारी या जागीरदारी प्रणाली एवं अन्य प्रणालियों के द्वारा भारत का जमकर आर्थिक शोषण किया। इससे हमारे कृषक वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, जनजातीय समाज के लोग एकजुट हो गए छात्रगण अंग्रेजों के खिलाफ, और यही एकजुटता राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी थी, राष्ट्र प्रेम के उदय का कारण बनी थी। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया और यही राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी छतगन, जिसे आपको ध्यान में रखना है। छतगन, नेक्स्ट पॉइंट है यातायात एवं आवागमन के साधनों में वृद्धि। छतगन, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए सड़कों का जाल, रेलवे की शुरुआत, साथ ही साथ बंदरगाहों की शुरुआत, पानी के जहाजों का आगमन। जब हम एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लग गए तो हमारी संस्कृति में परिवर्तन आया, हमारी सोच में परिवर्तन आया, हमारी विचारधारा में परिवर्तन आया। जब हम लोगों ने देखा दूसरे लोगों को कि किस प्रकार से वो राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, तो हमारे अंदर में भी राष्ट्रप्रेम की भावना हिलोरे मारने लगी। छात्रगण, याद रखेंगे, यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको लिखना है, मेंस के पेपर में ध्यान देंगे। नेक्स्ट है छात्रगण, समाचार पत्रों का प्रभाव। छात्रगण, कहा जाता है जो काम तोप और तलवारें नहीं कर पाती है वह काम कलम करती है। छतगन, लेखनी में वो ताकत होती है जो आपको अंदर से सशक्त, मजबूत, आत्मविश्वासी, आत्मसंबलता से युक्त कर सकती है। छतगन, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हमारे एक से बढ़कर एक लेखकों ने अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, चाहे बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाला जाने वाला मराठा केसरी हो, चाहे महात्मा गांधी द्वारा निकाला जाने वाला यंग इंडिया हरिजन हो, चाहे एनी बेसेंट के द्वारा निकाला जाने वाला न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ हो, चाहे वह अल हिलाल अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला जाने वाला हो। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला कर रख दी छतगन, और भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांध दिया। इन समाचार पत्रों को पढ़कर भारतीयों के रगों में बहने वाला खून देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा था,
जिसे आपको ध्यान देना है। छगन, समाचार पत्रों का प्रभाव राष्ट्रवाद के उदय में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे आपको ध्यान देना है, जिसे आपको मनन करना है, जिसे आपको याद रखना है, जिसे आपको गौर करना है। छगन, लॉर्ड लीटन की नीतियां, भारत के एक वायसराय थे लॉर्ड लीटन, है ना, जिन्हें भारत का सबसे क्रूर वायसराय कहा जाता है। छगन, द मोस्ट क्रूएल वायसराय ऑफ इंडिया, सोते जागते उठते बैठते इवन सपनों में भी यह भारत का अहित चाहता था। छगन, यह भारत के लिए हमेशा अहित की भावना रखता था। छगन, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने ऐसा क्या किया? छगन, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। पहला गलत काम किया लॉर्ड लिटन ने। दूसरा गलत काम उसने क्या किया, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा, उसे भी आप गौर कीजिएगा, उसे भी आप याद रखिएगा, उसे भी आप स्मरण कीजिएगा, उसे भी आपको ध्यान देना होगा, उसे भी आपको मनन करना होगा। छगन, दूसरा गलत काम लॉर्ड लिटन से क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, उसने आईसीएस की प्रवेश में उम्र सीमा भारतीयों की घटा दी। छगन, 1876-77 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, लाखों लोग काल कल्पित हो गए, लाखों लोग मारे गए, परंतु लॉर्ड लिटन ने उसी समय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी। करोड़ रुपए फूंक डाले गए उस दरबार के आयोजन में, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यही स्थिति हो गई। छगन, लॉर्ड लिटन की क्रूरता अपने आप में बहुत ही खतरनाक थी। अब भारतीयों ने इस क्रूरता का मुंहतोड़ जवाब देने का निश्चय कर लिया था, यह भी राष्ट्रवाद के उदय का एक बहुत बड़ा कारण थी, लॉर्ड लिटन की क्रूरतापूर्ण नीतियां, जिसे आपको ध्यान देना होगा, मनन करना होगा और याद रखना होगा। छगन, नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल। छगन, क्या था इल्बर्ट बिल, समझेंगे इसे। छगन, इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 में भारत के सबसे उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में आया था। छगन, इल्बर्ट बिल विधेयक एक ऐसा विधेयक था जिसके तहत भारतीय जजों को अंग्रेजों पर चलने वाले मुकदमे की सुनवाई करने और अंग्रेजों को दंड देने का अधिकार दे दिया गया था। यही था इल्बर्ट बिल विधेयक, जिसे आपको ध्यान देना होगा। छगन, छगन, जब इतना बड़ा अधिकार मिल गया भारतीय जजों को, तो अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा नहीं, हम इस विधेयक को नहीं मानते हैं, और इस विधेयक को लाने वाले लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देकर के वापस इंग्लैंड जाना पड़ गया था 1884 में। तो इल्बर्ट बिल विधेयक भी अपने आप में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ा कारण बना था। छगन, जिसे आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन का शासन। छगन, लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब के शासन से की है। छगन, लॉर्ड कर्जन जो है वह भी भारतीयों का हित किसी भी मायने में नहीं चाहता था। बंगाल विभाजन इसने किया। छगन, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। और इस प्रकार से यह बंगाल का जो आंदोलन था वो बहुत ही जबरदस्त रूप से भारतीयों को एकजुट करने में सफल रहा, राष्ट्रवाद के उदय में सफल रहा। छगन, बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, यह उसके द्वारा किया गया एक बहुत ही गलत कार्य था। पूरे बंगाल राज्य को उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने के उद्देश्य से, फूट डालने के उद्देश्य से, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के उद्देश्य से दो भागों में विभाजित कर दिया था। तो छगन, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा। लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी छगन, वो अपने आप में भारतीयों के विरोध में थी। इसके कार्यकाल को भूलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया छगन,
तो बंगाल के एक एक लोगों के बीच, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, राष्ट्रवाद की बीजारोपण हो गया, राष्ट्रवाद की भावना का प्रस्फुटन हो गया, राष्ट्रवाद की भावना हिलोरे मारने लगी। इसे आपको ध्यान देना है। छात्रगण, नेक्स्ट पॉइंट है जापान द्वारा रूस की पराजय। छात्रगण, एशिया महादेश का एक छोटा सा देश जापान ने 1904 में रूस को पराजित कर दिया। भारत को ऐसा लगा कि जब जापान जैसा छोटा सा देश रूस जैसे विशाल देश को पराजित कर सकता है, तो हम भारतीय तो इतने विशाल देश के मालिक हैं, हम इन चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को भारत से बाहर कैसे नहीं निकाल सकते। इस घटना का भी बहुत ही सकारात्मक असर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण में शामिल। छतगण ध्यान देंगे। नेक्स्ट छतगण, रंगभेद की नीति। छतगण, अंग्रेजों ने रंगभेद की नीति के द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण किया, भारतीयों का मानसिक शोषण किया, भारतीयों का शारीरिक शोषण किया। छतगण, काले गोरे का भेदभाव, श्वेत अश्वेत का भेदभाव, ये बहुत ही खतरनाक भेदभाव था जो आगे चल करके एक जख्म से नासूर बन गया। छतगण, रंगभेद की नीति के कारण ही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था और भारत आकर के भी उन्होंने जो है इस रंगभेद का विरोध किया था। रंगभेद नीति का विरोध गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में तो किया ही, भारत में भी अंग्रेज रंगभेद की नीति अपनाते थे जो कि बहुत ही गलत था। यह भी राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण बना था। छतगण, जब भारतीयों को यह लगा कि लॉर्ड कर्जन उनके साथ अन्याय कर रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, उनके साथ चीटिंग कर रहा है, तो भारतीयों ने उसके साथ अपना पल्ला झाड़ लिया। साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन की नीतियों से भारतीय एकजुट हो गए। छतगण, इसे भी ध्यान देना है। रंगभेद की नीति के खिलाफ जब भारतीय एकजुट हो गए तो राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अगला पॉइंट है छतगण, कांग्रेस की स्थापना। छतगण, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक रिटायर्ड अंग्रेज ICS अधिकारी ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। छतगण, कांग्रेस जो पार्टी था वह 28 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया। कांग्रेस पार्टी ने सभी लोगों को एक मंच पे लाया और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। छतगण, भारत की आजादी में जितना बड़ा योगदान कांग्रेस का है, यह अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय और अनमोल है। छतगण, अब जितने भी नेताओं का नाम लें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, अरविंद घोष, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, सबों का संबंध हमेशा कांग्रेस से रहा है। छतगण, छतगण, कांग्रेस ने देशवासियों को बताया कि आंदोलन चलाने का सही तरीका क्या है, किस प्रकार से अहिंसक नीति को अपनाते हुए भी आंदोलन चलाया जा सकता है। छतगण, राष्ट्रवाद के उदय में जो कारणों को आपको बतलाया गया है, राजनीतिक एकता, पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा का प्रभाव, 19वीं सदी का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, आर्थिक शोषण, यातायात एवं आवागमन के साधनों में वृद्धि, समाचार पत्रों का प्रभाव, लॉर्ड लिटन की नीतियां, शिक्षा का प्रभाव, सॉरी लॉर्ड लिटन की नीतियां, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड कर्जन का शासन, जापान द्वारा रूस की पराजय, रंगभेद नीति और कांग्रेस की स्थापना, सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पर आपको पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान देना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा, स्मरण करना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। छतगण, है ना। तो छतगण, ये है 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे, आपको बिल्कुल इसी अंदाज में बयान करना है। नेक्स्ट क्लासेस में छतगण हम लोग जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए इस पर आपकी पैनी निगाहें छतगण होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।